शरीर पहुंची वर्तमान पहुंची भुवनेश्वर पार्थिव शरीर एवं सब प्रकार भुवनेश्वर एयरपोर्ट पहुंची पार्थिव शरीर यापर केन्दुढीप गांव को जीव गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाउछि। भुवनेश्वर एयरपोर्ट पहुंची पार्थिव शरीर शहीद पार्थिव शरीर पहुंची भुवनेश्वर एयरपोर्ट एयरपोर्ट रु सीधा सड़क जीव ढेंकानाल कामाख्या नगर केन्दुढीप गांव को सेठी चुल्ली जलिनी समस्ते नियमण दुखरे भांगी पड़ी समस्त व्यवस्था मध्य करा जेतु राष्ट्रीय मर्यादा सह अंतिम संस्कार करा जिवो सेथिपई व्यवस्था मध्य करा जायछि। एबे भुवनेश्वर एयरपोर्ट रो आपण देखि पाउछंती पहुंचिछि शहीद जवान करो पार्थिव शरीर समस्ते सरोज को सलाम करुछंती घर कांदुछि कांदुछि गां आज शहीद सरोज दास करो शेषकृत्य हेबो एवं यार भितरे शहीद सरोज कर पार्थिव शरीर एयरपोर्ट पहुंची गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाउछी देखि परुछंदी जन्म माटी बाहिमुखे जीव पार्थिव शरीर सिक्किम प्रलयंकारी बन्यारे शहीद होइतिबा ढेंकानाल सरोज पार्थिव शरीर पहुंची भुवनेश्वर एयरपोर्ट आम सह दुष्मंत जोड़ी होती दुष्मंत एक दुखद मुहूर्त जितेबले सिक्किम प्रलयंकारी बन्यारे शहीद हो जाइछंती सरोज से वीर को झुरुची जन्म माटी एवं एयरपोर्ट रे पहुंची सरोज कर पार्थिव शरीर केमती देखुछंती। निश्चित भाव ये अत्यंत तो भाव विहूलित तो परिवेश कहले अत्युक्ति हम ना आज देखिथे जत खबर आसला सिक्किम जतेबले ए प्रलयंकारी बन्यारे जतेबले समस्ते निश्चिन्न हो गले से समय सरोज दास जी एक प्रकार कहले अत्युक्ति हम ना जो भाव गोटे शहीद को सम्मान दवा कथा बर्तमान देखिपे भुवनेश्वर अंतर्जातीय विमान बंदर कार्गो विमान बंदर बर्तमान मर शरीर पहुंची सम्मान जनवाई शेष दर्शन करने ढेंकानाल सांसद उपस्थित अच्छा स्थानीय विधायक उपस्थित अच्छा समस्ते नीरवी जा एक प्रकार कहले अत्युक्ति हम ना जिते आपड़ देखिथे जड़े शहीद निजर मटी को जा सीमा को सरहद को लड़े करने जिते तार पार्थिव शरीर आसो निश्चित हृदय विदायक समस्त मनरे केवल शून्यता नीरवता ही छाई जाइए। आप देखिए बर्तमान दृश्य भिजुआल मध्यम आम देखु कि भाव जवान आहचले मोर शरीर पहुंचला गोटे कथा अत्युक्ति हम ना जिते जड़े सीमा सरहद को लड़ापी जा देशपाई लड़े करने जा समय जिते तार पार्थिव शरीर फेर निज गाँ मटी को निज परिजन लोकों पाखक निश्चित भाव से अत्यंत विदारक से कथा को बयान करने शब्द बेले बेले कम पड़ी जाए कारण शून्यता एवं नीरवता ही बयान कर दूसरी जे वर्तमान समय रे जो भुवनेश्वर अंतर्जातीय विमान बंदर परिसर रे जो कार्गो विमान बंदर परिसर रे ये जो साइलेंस टा ही बयान कर जो नीरवता ही बयान करते परिमाण रे समस्ते म्रियमाण अवस्था रही आज जहां सूचना रही किसी समय पूर्व स्वतंत्र विमान जगे सरोज दास मर शरीर जो पार्थिव शरीर बर्तमान पहुंची गार्ड ऑफ ऑनर दिया बर्तमान पुष्पमाल्य अर्पण करने पूरा प्रस्तुति शेष पर्यायर पहुंची जदि आम कह सरोज दास कथा जदि आम कह सी ए जे आप देखि लगातार भाव में दुई दिन धरी आम से खबर देखु गाँ मटी किभली भाव स्थिति रही कारण आप जानते जे धर्मपत्नी कथा कहवा परिजन लोकों कथा कह समस्त गोटे आशा था जे ए खबर मिछ ही था खबर सेमती किसी घटी न था किंतु जितेबले आसला एक खबर सरोज दास आहांती जो प्रलयंकारी बन्या सिक्किम जो विकटाल रूप नहीं आसला एक प्रकार दुख नहीं आसला कहले अत्युक्ति हम नहीं पहाड़ भली दुख वर्तमान परिवार ऊपर को आई जाइए पूरा पूरी सारा राज्य सारा देश ये खबर पाई एक प्रकार स्तब्ध हो जाइए कहले अत्युक्ति हम नहीं तो चारिड़े कांद बोभाली सहित रड़ी में फाटी पड़ू पूरा परिवेश मंगलवार रात निज भाई को से फोन करते सिक्किम प्रबल वर्षा होता कथा कही समय सरोज और अन्य जवान सहित ट्रेनिंग सारी से यूनिट को फेरी कही कि प्रलयंकारी बन्या जहाँकि अनेक जवान जीवन नहीं जाती आम ओडिया मटीर पुओ सरोज अच्छा
एवं जेतेबेले मृतदेह भासी जाइथिला भासी जाइथिले जवान एवं घर को फोन आसीथिला मृतदेह को चिन्हट करबा को परिवार लोकन को कर्तृपक्ष फोन करथिले शेषरे परिवार लोक वीडियो कॉल करी पार्थिव मर शरीर को चिन्हट कर सेना बाहन एभली दुख जिते गांव माटी झुरुची गांव दाण्ड झुरुची जन्ममाटी परिवार लोक झुरुछन्ति पुओ को हर भांगी पड़ी शहीद ओडिया जवान सरोज दास परिवार लोक जिते जन्ममाटी को किसी समय पर बाहर सरोज पार्थिव शरीर मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री वर्तमान पहुंची सारी श्रद्धांजलि जनवाप देखिपे जत जड़े वीर जवान निज मटीर पुओ शहीद होथोचित सम्मान जनवाई निजे मुख्यमंत्री आष्पमाल्य अर्पण करश्चित भाव ये गोटे बड़ हृदय विदारक गोटे बड़ हृदय देखते देखिपे वर्तमान समय मुख्यमंत्री नवीन पटनायक सम्मान जनवाई पुष्पमाल्य अर्पण करने वर्तमान विमानबंदर परिसर में पहुंची सारी सहित फाइव टी सचिव वीके पांड्यान उपस्थित अच्छा आम भिजुआल मध्यम देखा जितेबले ओडिशा को एक प्रकार गौरवान्वित कर अत्युक्ति हेनी जो शहीद जीवन दिये सीमा सरहद को जाते फेरती आते सीए निज मटीर ना को ओडिया मटीर ना को जिते वीरत्वर गाथा प्रदर्शन कर फेरती निश्चित भाव से समस्त मथानत हो जाए तार सम्मान जन निज मटीर पु को सम्मान जनवाप शेष दर्शन करने निजे मुख्यमंत्री नवीन पटनायक उपस्थित अच्छा सहित उपस्थित अच्छा सहित फाइव टी सचिव वीके पांड्यान उपस्थित अच्छा बड़ कथा जे ए मटी सब बड़े मन रखिबो बीरंकु ये हूँ पाइक माटी ये माटी सब बड़े बलिदान दे था ये माटी सब बड़े देश मातृका पाई लड़े कर था से सीमा कथा कहा जो जे कौनसी प्रतिकूल परिस्थिति रे आपण जानिथिबे सिक्किम रो प्रलयंकारी बनियार जते बड़े कथा कहा जो निश्चित भाव रे से जन जवान केबे भी एते सहज रे जीवन हारि न था से लड़े कर था एवं पर्यंत सरज लड़े करथिले किंतु गोटे कालर कराल रूप कहले अत्युक्ति हम नहीं जिते से प्रलयंकारी बन्या एक प्रकार निश्चिन्न करदेला एवं से सबुदिन नीरवी गले किंतु समस्त मनरे परिवार गाँ माटी ए ओडिशा माटी देशवासी पाखरे एक प्रकार सबुदिन स्मरणीय हो रही था सबुदिन मन माटी को सत सत नमन जे एभली एक वीर पुरुष को जन्म देता से माटी को आज सम्मान जनवाप से मटीर पुओ को मन पक से मटीर पुओ को तार स्मरणीय उद्देश्य बर्तमान निजे ओडिशा मुख्यमंत्री माननीय नवीन पटनायक निजे उपस्थित अच्छे दुष्मंत आम देखिपु कि भाव में शोकाकूल परिवेश सृष्टि जितेबले शहीद सरोज दास पार्थिव शरीर पहुंची दुष्मंत मुख्यमंत्री नवीन पटनायक निजे शेष सम्मान जनाई जितेबले जिला प्रशासन पक्षर अनेपटे सब प्रकार व्यवस्था कर भुवनेश्वर सीधासख जीव जन्ममाटी जन्मभूमि कामाख्या नगर केन्दुढ़ीप को आम देखु दुष्मंत मुख्यमंत्री नवीन पटनायक शेष सम्मान जनाई राज्यपाल बर्तमान पहुंची दुष्मंत देखा दृश्य राज्यपाल प्रोफेसर गणेश लाल पहुंची दुष्मंत आम देखिपु मुख्यमंत्री नवीन पटनायक शेष सम्मान जनाई वर्तमान राज्यपाल प्रोफेसर गणेश लाल शेष सम्मान जनाऊंट केमती देखुं दृश्य दुष्मंत वर्तमान समय प्रोफेसर गणेश लाल आसी मर शरीर पार्थिव शरीर पुष्पमाल्य अर्पण कर जनक पर जन समस्त आसुछंती एवं पार्थिव शरीर उपर पुष्पमाल्य अर्पण करुछंती शेष श्रद्धांजलि जनाउछंती जितेबले सिक्किम बनियारे शहीद होइतिबा सरोज कुमार दास पार्थिव शरीर ओडिशा फिरिछि भुवनेश्वर एयरपोर्ट रे शेष सम्मान जनाउछंती मुख्यमंत्री नवीन पटनायक एवं गवर्नर राज्यपाल प्रोफेसर गणेश लाल शेष सम्मान जनाउछंती पार्थिव शरीर सीधासलख जीव जन्मभूमि कामाख्या नगर केन्दुढ़ीप गांव को सेठी गांव रे पार्थिव शरीर को नहीं शोभायात्रा संपूर्ण राष्ट्रीय मर्यादा शेषकृत्य
संपन्न कर देखिपुर प्रफेसर गणेश लाल शेष शर्मा जनाई जिते पहुंची पार्थिव शरीर पहुंची भुवनेश्वर एयरपोर्ट देखिपुर सिक्किम्रु सीधा सड़क आसी भुवनेश्वर अणाई पार्थिव शरीर सरोजकर पार्थिव शरीर तापर जन्मभूमि कामाख्या नगर केन्दुद्वीप को निठू शहीद पार्थिव शरीर को विराट शोभा निज गांव को निपूर्ण राष्ट्रीय मर्यादार गांव शेषकृत्य संपन्न बोली जिला प्रशासन पक्ष कहते एक दुखद मुहूर्त जिते प्रलयंकारी बनार फ्लाश भयंकर फ्लाश फ्लड्रे सरोज शहीद हो जाए भी विश्वास घर सतमास पूर्व बहुत होता से शहीद हो समस्ते शोकर छाय खेली जा राज्यपाल प्रफेसर गणेश लाल शेष श्रद्धाजलि जन देखिपे सरोज पार्थिव शरीर को शेष सम्मान जनाऊ शेष श्रद्धाजलि जनाऊ प्रफेसर गणेश लाल ओडिया जवान सरोज कुमार दास पार्थिव शरीर को समस्ते शेष सम्मान जनाऊ एक नीरवता छाई जा सब जमी सुनसान हो पड़ी जिते भुवनेश्वर विमानबंदर पार्थिव शरीर सीधासलख सिक्किम्रु पहुंची भुवनेश्वर विमानबंदर पार्थिव शरीर पहुंची और गार्ड अफ अनर आप देखते स्वतंत्र करिडर जिते ढेकाना कामाख्या नगर केन्दुद्वीप गांव को आ कि समय भितर पार्थिव शरीर जीव जन्म माटी रे राष्ट्रीय मर्यादार सह अंतिम संस्कार करा जीव शेषकृत्य संपन्न करा जीव जेतेबेले सिक्किम्रे आसीथिबा फ्लाश फ्लड्रे प्रलयंकारी बन्यारे भासी जाइथिले 23 जन जवान तार भितरे थिले सरोज थिले एवं सरोज मृतदेह उद्धार करा जाइथिला मुख्यमंत्री नवीन पटनायक किसी समय पूर्व शेष सम्मान बर्तमान आप देखिपुट मुख्यमंत्री नवीन पटनायक पहुंची बर्तमान शेष सम्मान जनाऊ मुख्यमंत्री नवीन पटनायक मुख्यमंत्री नवीन पटनायक सरोज पार्थिव शरीर पर पुष्पमाल्य देष श्रद्धाजलि जनाऊ शेष सम्मान जनाऊ तो ये दृश्य समस्त भावविहल दृश्य जिते देशपाई शहीद होती ये प्रलयंकारी बनार भासी जाते 23 जन जवान तारी भितर थे सरोज सरोज मृतदेह शहीद खबर शुणी सारा राज्य में शोकर छाय खेली जा सब जमी नीरव विमानबंदर परिसर दृश्य प्रथम गवर्नर राज्यपाल प्रफेसर गणेश लाल शेष सम्मान जन मुख्यमंत्री नवीन पटनायक पुष्पमाल्य अर्पण कर पार्थिव शरीर उपर शेष सम्मान जन एवं स्थानीय विधायक ढेंकनाल सांसद विधायक उपस्थित अच्छा जो मैंने रही सेनाधिकारी वरिष्ठ से समस्ते शेष सम्मान जनाऊ ये जो वीरत्व देखाई एवं प्रलयंकारी बन्या ता सहित लड़िकी शहीद होती समस्ते देखा कि आज गाँ जदिव गौरवान्वित होर तक ना सरोज किंतु समस्ते डाकती वीर आज से ना को से साकार करी ग्रामवासी कहते ग्रामवासी जी गर्वित से समस्त आखिरे अश्रु से लुह से कष्ट कहीं मात्र सात मास पूर्व सरोज बहुत करते स्त्री लोपामुद्रा दुखरे भांगी पड़ती म्रियमाण हो पड़ती परिवार लोक भांगी पड़ती
ଏବଂ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାବବିହ୍ୱଳ ଦୃଶ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏବଂ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ପ୍ରଫେସର ଗଣେଶୀ ଲାଲ ଶେଷ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ସେନାର ବରିଷ୍ଠ ପୂର୍ବତନ ଅଧିକାରୀ ବର୍ତ୍ତମାନର ଅଧିକାରୀମାନେ ଶେଷ ସମ୍ମାନ ଜଣାଉଛନ୍ତି, ଶେଷ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ସମସ୍ତେ ଜଣାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସେନାରେ ତ ସମସ୍ତେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ଦେଖୁ ଯେତେବେଳେ ପାର୍ଥିବ ଶରୀର ଆସେ ଶେଷ ସମ୍ମାନ ଜଣାନ୍ତି। ସେନା ଅଧିକାରୀମାନେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ରଖନ୍ତି, ତାଙ୍କର କହିବା କଥା ଇଏ ବହୁତ କମ୍ ଲୋକଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ଥାଏ ଯେତେବେଳେ ଶହୀଦ ହୁଅନ୍ତି। ତ ଇଏ ଦେଶକୁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ କରିଛନ୍ତି ସରୋଜ, ଯେତେବେଳେ ଫ୍ଲାସ୍ ଫ୍ଲଡ୍ରେ ପ୍ରଳୟଙ୍କାରୀ ବନ୍ୟାରେ ଭାସିଗଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡ ଝୁରୁଛି, ଝୁରୁଛି ଜନ୍ମମାଟି, ପରିବାର ଲୋକ ଝୁରୁଛନ୍ତି, ପୁଅକୁ ହରାଇ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଶହୀଦ ଓଡ଼ିଆ ଯବାନ ସରୋଜ ଦାସଙ୍କର ପରିବାର ଲୋକେ। ଜନ୍ମମାଟିକୁ କିଛି ସମୟ ଭିତରେ ଯିବ ତାଙ୍କର ପାର୍ଥିବ ଶରୀର ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ବିମାନ ବନ୍ଦର ପରିସରର ଦୃଶ୍ୟ, ସିଧାସଳଖ ପାର୍ଥିବ ଶରୀର ସିକିମ୍ରୁ ଆସିଲା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏୟାରପୋର୍ଟକୁ, ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ସମସ୍ତେ ଶେଷ ସମ୍ମାନ ଜଣାଉଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କରିଡରରେ ନିଆଯିବ ପାର୍ଥିବ ଶରୀରକୁ ଜନ୍ମମାଟି କାମାକ୍ଷାନଗର କେନ୍ଦୁଢିପକୁ, ସେଠାରେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ସହ ତାଙ୍କର ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର କରାଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଗାଁ ଲୋକେ ପ୍ରଶାସନ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିଛନ୍ତି। ସରୋଜଙ୍କ ବିୟୋଗରେ ଗାଁରେ ଶୋକାକୁଳ ପରିବେଶ ଲାଗି ରହିଛି, କାହାର ବି ଚୁଲି ଜଳିନି, ସମସ୍ତେ ଯେମିତି ଚାରିଆଡ଼େ କାନ୍ଦ ବୋବାଳି ସହିତ ରଡ଼ିରେ ପରିବେଶ ଯେମିତି ଫାଟି ପଡ଼ୁଛି, କେହି ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଏ ସିକିମ୍ର ଏ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଳୟଙ୍କାରୀ ବନ୍ୟା ଆଣିଦେଲା, ଯେତେବେଳେ ଫ୍ଲାସ୍ ଫ୍ଲଡ୍ ଆଣିଦେଲା, ଏଥିରେ ଏଭଳି ଏତେ ବଡ଼ ଅଘଟଣ ଘଟିବ କେହି ବି ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଏବଂ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କର ଦେଖିବାକି ଯେମିତି ଦୁଃଖରେ ମ୍ରିୟମାଣ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଭୟଙ୍କର ଫ୍ଲାସ୍ ଫ୍ଲଡ୍ରେ ସରୋଜ କହିଥିଲେ କିଭଳି ସେ ଟ୍ରେନିଂ ସାରି ଘରକୁ ଫେରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତା ଶେଷ କଥା ଥିଲା ବୋଲି କେହି ବି ବିଶ୍ୱାସ ବି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନ ବନ୍ଦର ପରିସର ଦୃଶ୍ୟ। କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ସିକିମ୍ରୁ ପାର୍ଥିବ ଶରୀର ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ, ଯେମିତି ପୁରା ଅଞ୍ଚଳ ନୀରବ ହୋଇଯାଇଛି, ସମସ୍ତେ ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ, କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଶେଷ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟପାଳ ପ୍ରଫେସର ଗଣେଶୀ ଲାଲ ମଧ୍ୟ ଶେଷ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ତ ୟାର ଭିତରେ କିଛି ସମୟ ଭିତରେ ପାର୍ଥିବ ଶରୀର ନିଜ ଗାଁକୁ ମଧ୍ୟ ନିଆଯିବ ଅପେକ୍ଷାରେ, ସରୋଜଙ୍କ ଅପେକ୍ଷାରେ ଜନ୍ମ ମାଟି ଚାହିଁ ରହିଛି, ସେହି ବୀର ସନ୍ତାନକୁ, ବୀର ପୁଅକୁ ଚାହିଁ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଏପରି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କରିଡରରେ ଢେଙ୍କାନାଳ କାମାକ୍ଷାନଗର କେନ୍ଦୁଢିପ ଗାଁକୁ ଯିବ ମୃତଦେହ ଜନ୍ମ ମାଟିରେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ସହ ଶେଷକୃତ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ କରାଯିବ। ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଫ୍ଲାସ୍ ଫ୍ଲଡ୍ ହୋଇଥିଲା ସିକିମ୍ରେ, ପ୍ରଳୟଙ୍କାରୀ ବନ୍ୟାରେ ଭାସି ଯାଇଥିଲେ 23 ଜଣ ଯବାନ, ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଥିଲେ ଓଡ଼ିଆ ଯବାନ ସରୋଜ ଦାସ। ତାଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି ଯୋଗାଯୋଗ ହୋଇପାରିନଥିଲା। ଗୁରୁବାର ଦିନ ସେ ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ମୋବାଇଲକୁ 5 ଯବାନଙ୍କ ମୃତଦେହର ଫଟୋ ଆସିଥିଲା, ସେଥିରେ ତାଙ୍କ ବଡ଼ ଭାଇ ମନୋଜ ସରୋଜଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ସବୁ ଯେମିତି ନିରବ ଯାଇଛି, ଘରେ ଶୋକାକୁଳ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଯେହେତୁ 7 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଲୋପାମୁଦ୍ରାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ, ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ବିବାହ କରିଥିଲେ ସରୋଜ, 7 ମାସ ଭିତରେ ସବୁ ଓଲଟ ପାଲଟ ହୋଇଯାଇଛି, ସବୁ ଯେମିତି ନିରବ ଯାଇଛି, ସମସ୍ତେ ଯେମିତି ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଏକ କିଭଳି ଭାବରେ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ତାହା ମଧ୍ୟ କେହି ବି କହିପାରୁନାହାନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ଚୁଲି ମଧ୍ୟ ଜଳିନି। ଏଭଳି ଦୁଃଖଦ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବାକି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଏବଂ ଜନ୍ମ ମାଟି ଶୋକରେ ବୁଡ଼ିଛି ପୁରା ଗାଁ, ବୀର ପୁଅଙ୍କ ପାଇଁ ଗାଁରେ ଚୁଲି ମଧ୍ୟ ଜଳିନି। ଯେତେବେଳେ 7 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ସେ ଲୋପାମୁଦ୍ରାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ, ଘରର କାନ୍ଥରୁ ବାହାଘର ଗୀତିକା ମଧ୍ୟ ଲିଭିନି, ୟାରି ଭିତରେ ଶୋକ ସାଗରରେ ଭସାଇ ଆରପାରିକୁ ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି ସରୋଜ। ଶେଷଥର ପାଇଁ ବୀର ପୁଅକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯେମିତି ସାଙ୍ଗସାଥୀ ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟଜନ ଆତୁର ନୟନରେ ଚାହିଁ ରହିଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିବ କିଛି ସମୟ ପରେ ସରୋଜଙ୍କର ପାର୍ଥିବ ଶରୀର, ସେଠାରେ ଗାଁ ଶ୍ମଶାନରେ ଶେଷକୃତ୍ୟ ହେବ। ଏବେ ବି ଦେଖାଯାଉଛି ସେ ଗାଁରେ ତାଙ୍କ ଘରେ ସେ ଶୁଭ ପରିଣୟର ସଂକେତ ଦେଖାଯାଉଛି। 6-7 ମାସ ଯାଇ ନି ପର କରିଦେଲେ ସ୍ୱାମୀ, ସିକିମ୍ର ଜଳପ୍ରଳୟରେ ଶହୀଦ ହୋଇଗଲେ ବୀର ଯବାନ ସରୋଜ। ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ଯେତେବେଳେ ଶେଷଥର ପାଇଁ ଗାଁକୁ ଆସିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ଅନେକ ସାଙ୍ଗସାଥୀ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମାସେ କାଳ ହସଖୁସିରେ ରହିଥିଲେ, ତାପରେ ଫେରିଯାଇଥିଲେ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ସିକିମ୍କୁ।
ଏବେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଖବର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ତବ୍ଧ କରିଦେଇଛି, ସାତ ଜନ୍ମକୁ ଯେତେବେଳେ ସାଥୀ କରିବାକୁ ଅଗ୍ନିକୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖି ସରୋଜ ବିବାହ କରିଥିଲେ, ସାତ ମାସ ଯାଇନି ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏକା କରି ଚାଲିଗଲେ। ପତ୍ନୀ ମଧ୍ୟ ବାହୁନି ବାହୁନି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ଗାଁ ମଧ୍ୟ କାନ୍ଦୁଛି, ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ। ବୀରଙ୍କର ବୀରତ୍ୱକୁ ମନେ ପକାଇ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଝୁରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଉପାସରେ ଅଛନ୍ତି। ସୁନା ପୁଅଙ୍କୁ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ଦେଖିବାକୁ ସମସ୍ତେ ଆତୁର ନୟନ।